वहीं केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया को पद से हटा दिया है। दोनों को अपने अपने होम कैडर नितिन अग्रवाल को केरल और खुरानिया को ओडिशा रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 30 जुलाई को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी को आदेश जारी करने को कहा था, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की डायरेक्टर साक्षी मित्तल ने ये आदेश जारी किए हैं। हालांकि दोनों टॉप अधिकारियों को हटाने की वजह और उनमें शामिल होने वाली नई जिम्मेदारियों के बारे में अभी नहीं बताया गया है। साथ ही बीएसएफ की नए चीफ और डिप्टी चीफ के नाम की भी घोषणा नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने यह फैसला जम्मू कश्मीर में हाल ही में बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर किया है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 21 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 24 एनकाउंटर और 11 आतंकी हमले हुए हैं। इनके अलावा फैसले की वजह बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ को भी बताया गया है।